संदीप चौहान, आरके न्यूज लाइव से। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ग्राम सभा सिलाटा में आए हुए हैं। आइए ग्राम प्रधान उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं विकास के बारे में। जी अपना नाम। हाँ, मैं ग्राम प्रधान सिलाटा त्रिपुरारी चौरसिया। हाँ, अभी तक शौचालय कितना बनवाए हैं? हमारे यहाँ 102 का लक्ष्य था, 102 पूरा कर दिए। आवास कितना है? आवास हमारे यहाँ अभी जो है कि सिर्फ एक ही बना है। एक ही बना है। और डस्टबिन आया था? डस्टबिन भी आया था। डस्टबिन लगा था, 20 लगा था। 20। स्ट्रीट लाइट लगा है? स्ट्रीट लाइट लगा है। कितना लगा है? स्ट्रीट लाइट जो है कि कम से कम लगभग हर पोलों पर हो गया है। लगभग कितना होगा? 100 होगा, 50 होगा? करीब 50-60 लगभग। 60 है। सौर ऊर्जा भी लगवाया है? नहीं, सौर ऊर्जा था हमारे यहाँ नहीं है। नहीं आया है। स्कूल का बाउंड्री? स्कूल का बाउंड्री चल रहा है। और ये जो नाली खड़ंजा, नाली खड़ंजा वाला काम तो हमने करा दिया है, कुछ बाकी है उसका भी। जो है कितना खड़ंजा कराए हैं? खड़ंजा जो है कि यहाँ से करीब 300 मीटर तक खड़ंजा हुआ है। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया है। और नाली जो है कि कम से कम हजारों मीटर बैठ बनी है। हाँ। और विधवा विकलांग पेंशन? विधवा विकलांग पेंशन भी हमने दिया है, वो भी लगभग पास हो गया है। करीब 32 लोगों का हमने दिया है। अभी तक पता पैसा जो है कि लोगों ने भेजा नहीं है जी। मतलब कंप्लीट हो गया? कंप्लीट है, आने वाला पैसा से खाना है। और कोई समस्या? और समस्या सबसे बड़ी जो है कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या कछारा क्षेत्र है और नदी गांव के घर के पास है जी। इसको बार बार हमने जो है विधायक और मंत्री जी से भी दिखाया, सांसद जी से भी दिखाया, मगर यहाँ पक्का कम से कम जो है कि ये पुलिया का जरूरत नहीं है, यहाँ ठोकर की जरूरत है। हाँ, पक्का जो ठोकर बन जाए या पीचिंग करा दिया जाए, गांव की सुरक्षा सबसे आवश्यक और सबसे अति आवश्यक चीज़ है। यही पास में नदी है, मुश्किल से करीब 2-3 मीटर। और कोई समस्या? हाँ, और सब समस्याएं तो गांव में छोटी बड़ी समस्याएं हमेशा ही रहती हैं। यहाँ बिजली की समस्या आई है, बिजली की समस्या में ट्रांसफार्मरों की कमी है जी। हाँ, इसके लिए जो है कि आए दिन ये दीपक की तरह से बिजली जलती है जी, जिसके लिए जो है कि लोग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता के लिए जो है कि बार बार कर रहे हैं। ये सब समस्याएं तो गांव में छोटी बड़ी हमेशा रह रही हैं जी। आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप चौहान, आरबी न्यूज़ लाइव से।